उसके बगैर नहीं, उनका चलता है इसी तरह। अगर खो गया तो उनकी खोपड़ी गायब है, सोच नहीं सकते। पहले तो अति सोचने की वजह से उनके हाथ बेकार हो गए, कोई भी कशीदाकारी का काम, खाना बनाने का काम, कोई भी काम वो लोग नहीं कर सकते। अब जब उनकी खोपड़ी ज्यादा चलने लगी तो उसके बाद मशीन बन गई, उस खोपड़ी को उन्होंने मशीन में डाल दी। अब जब मशीन आ गई तो खोपड़ी भी बेकार गई, अब सब कुछ उनके लिए मशीन हो गई। मशीन के बगैर वो चल नहीं सकते। अगर वहाँ बिजली बंद हो जाए तो लोग आत्महत्या कर लें। अपने यहाँ भगवान की कृपा से अच्छा है, अभी भी लोगों को आदत है कि बिजली चली जाए। पर वहाँ लोग परेशान रहते हैं कि घर कहीं बिजली गई, एक बार अमेरिका में बिजली गई तो न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी आफतें आ गई, कितनी परेशानियां हो गई, कि तूफान हो गया। कि कभी जलजला आया हो तो ऐसा आफत नहीं थी जितना कि वो बिजली का, उसका तो बड़ा नाटक हो। इस कदर इन्होंने अपनी गुलामी कर ली। और अब इनको पता हो रहा है कि प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए, अब इन प्लास्टिक का क्या करें, इनको नष्ट कैसे करें, अब इसके पीछे में लगे। अब सर पकड़ के गए। एक घर में अगर आप जाइए तो आपको न जाने कितनी तरह की प्लास्टिक की चीज़ें मिलेंगी। अब हिंदुस्तानी लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे कहते हैं मिलाज से आते वक्त नायलॉन की साड़ी लाओ। अरे भाई, यहाँ इतनी बढ़िया कॉटन की साड़ी मिलती है, सिल्क की साड़ी मिलती है, आए को वो नायलॉन पहनते। पर हम लोगों को तो नायलॉन का शौक हो गया, कल हमें प्लास्टिक का शौक हो गया। वहाँ किसी को बताते हो, किसी को विश्वास नहीं होता कि हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं। वहाँ पर तो लोग कॉटन को भगवान समझते हैं, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं। पहले उन्होंने खूब कॉटन के कपड़े बनाए। और अब जैसे एक समझ लीजिए कि घर उनके यहाँ शराब लोग पिए, समझ लीजिए किसी घर में है, तो 10 तरह के ग्लास होंगे, इसके लिए ये ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास। खाना खाने बैठेंगे तो एक के लिए एक चमचा, दूसरे के लिए दूसरा चमचा, तीसरे के लिए तीसरा चमचा, उसके लिए दूसरी प्लेट, उसके लिए चौथी प्लेट। अरे भाई, एक थाली ले और इस हाथ से खाओ। 25 तरह के ग्लास और 25 तरह के ये और 35 तरह की तश्तरिया भगवान बचा। अब ये हालत आ गई कि उनके जितना भी था वो निकल गया, पृथ्वी माता से सब कुछ तत्व निकाल डाला है। अब खोखले हो गए, अब काहे में खाते, सुबह शाम हर वक्त कागज में खाते। हमारे रिश्तेदार गए थे वहाँ, बेचारे पुराने आदमी है अमेरिका, कहले साहब मैं तो तंग आ गया, रोज पिकनिक करते करते हालत मेरी खराब हुई। जब देखो तब वो अपनी या तो प्लास्टिक की प्लेट और या तो कागज की प्लेट इनके घर में, तो ये हालत इनकी। और हम लोग कहते हैं अफ्लुएंट है, पैसे वाले, अरे इनके पास है क्या सिवाय प्लास्टिक की, और इनके पास क्या है? प्लास्टिक का खाना, प्लास्टिक में रहना और प्लास्टिक में मरना। और इनकी घरों की हालत ये हो गई है कि रहे रहे होटलों में, मरे अस्पतालों में। ये तो एक खाना बदोश हो गए, इनका तो सारा ही कुछ मिट गया। तो तत्वतः इनकी इतनी गलतियां हो गई है साइंस वालों की कि किसी भी बात पे मैं बात करूंगी तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। मेडिकल साइंस को देख लीजिए, कोई कहेगा कि मेडिकल में इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ है, खाक हुआ है, जरा देख लीजिए। अब बता रहे थे अभी अभी कि साहब ये जो आप मंजन करते हैं वहाँ पर, उनका जो टूथपेस्ट होता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, इसकी वजह से, वो क्लोरोफॉर्म मिला देने की वजह से अब कैंसर होने लगा। तो मुझे कोई लोग कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान से मंगा दीजिए हमको नीम टूथपेस्ट वगैरह, उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि अब क्लोरोफॉर्म महंगा, हम कहाँ से भेजें, हम तो लगा नहीं सकते क्लोरोफॉर्म उसमें, यहाँ से चीज़ें जाना शुरू। हाथ में जो वो लोग साबुन लगाते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, असल साबुन नहीं होता। हिंदुस्तान का साबुन थोड़े दिन में देख लीजिएगा सारे दुनिया में चला जाएगा। आप लोग अब शेयर वेयर मत लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का साबुन शुद्ध होता है, वो तत्व पे बना हुआ, कोई आर्टिफिशियल पे नहीं। हर एक चीज वहां की, जो मैं तो कभी भी विदेशी चीज को इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए क्योंकि सब चीज आप देखिए इनके वो बड़े बड़े सेंट्स होते हैं, तबाक होता है, क्या क्या होता है उसमें, सारा कुछ नहीं तो तंबाकू होते, तंबाकू के बनाए इसलिए तबाक शब्द है।
और क्योंकि वो तंबाकू थोड़ी थोड़ी चढ़ती जाती है, आदमी को नशा आते रहता है, वो तबाक जो उस पार कर तबाही करेगा, और वो सोचता है कि मैं भाई बड़ा एलीट हूँ, मैं तो तंबाक ही इस्तेमाल करूँ। अरे वो भाई तंबाकू है हमारे, जो तंबाकू गुड़ाकू का पानी उससे बनाया हुआ, और अपने यहाँ के इत्र असल होते, असल में होते हैं, इनके यहाँ सारे केमिकल्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करने से कोई भी चीज़ इनके यहाँ है। अब ये कहते हैं कि सर में कोई कोई लोग लगाते हैं ना हिजाब विजाब, तो अपने यहाँ तो लोग पहले अगर होता ही था तो मेहंदी वगैरह लगा लेते थे, और ये लोग जो चीज़ लगाते उसमें सर में कैंसर हो जाता है। वहाँ इतनी आर्टिफिशियलिटी हो गई कि लोगों के भवें उड़ गई, किसी के बाल उड़ गए जवानी में, किसी के दाढ़ी नहीं आती, किसी के मूछ नहीं आती, अजीब पूरा हाल है। पता हुआ कि वो कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर गए कि ये सब उनका होना बंद हो गया। वहां सरदार जी लोगों का बुरा हाल होगा, अगर वो लोग ज्यादा शराब पिएंगे और भी बुरा हाल होने वाला है। मैं राजू भी हूँ, कहने की बात यह है कि आर्टिफिशियल चीजों में जाने से, क्योंकि हमने अपने तत्व को जाना नहीं, जब हम इन सब पंचभूतों के पंच महाभूतों के तत्व पे उतरने को गए तब भी हम जड़ में फंसे। उसकी जो जड़ता है वो उसका तत्व नहीं है, सारे पंच महाभूत का तत्व है ब्रह्मत्व। और ब्रह्मतत्व क्या है, उसको पाने के लिए सिर्फ आत्मा पाने से ही वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर से बहना शुरू होता है। उस तत्व को तो हमने खोजा नहीं, और खोजते गए वहां पहुंच गए जहां वो चीज बिल्कुल बाहर आ गई और जड़। उसलिए यह हालत है कि उस देश में भी कोई लोग खुश नहीं है, बड़ा साइंस मिल गया, बहुत विद्वान हो गए, पढ़ गए, और अब आप कगार पे खड़े हुए हैं कि एक कदम आगे गए और धड़ से सबके सब नीचे। तभी सब लोग शॉक्ड हैं, बहुत दुखी घूमते हैं, और इस कदर परेशान है कि आपको बहुत कम लोग वहां मिलेंगे जिनके कोई ना कोई चीज न फड़क रही, तो आंख फड़क रही होगी, नाक फड़क रही होगी, सर ऐसे होता है, ऐसी पेशानी वहां किसी की नहीं मिलेगी जो शांत। औरतें आदमी को मारती है, आदमी औरतों को, बच्चों को मारते हैं, माँ बाप को मार डालते, बच्चों को दो बच्चों को हर हफ्ते में माँ बाप मार डालते, कहीं सुना मार ही डालते, मतलब वहां के स्टैटिस्टिक्स है कम से कम दो तो मरना ही चाहिए, और वो भी आप सुनिए माँ बाप मारते हैं। तो ये इस तरह की जहाँ संस्कृति बन गई है, तो जानना चाहिए कि उन्होंने तत्व को जाना नहीं, अगर जानते होते तत्व को ये पाते उस चीज में तो आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि तत्व जो है वो आनंद देने वाला है, तो इन्होंने तत्व वहां खोड़ा। तो ब्रह्मदेव का तत्व भी गया है। अब जैसे अपने देश में हम लोगों ने कहा कि साहब निराकार ब्रह्म है और उसको पाना चाहिए, वेद में ऐसा लिखा गया है, ये है वो, जीत करके बैठ, लेकिन वेद में भी लिखा है कि वेद माने विद माने जानना। अगर सारा वेद पढ़ करके भी मनुष्य ने अपने को जाना नहीं तो वेद बेकार हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये बात है तो पहली चीज ये है कि वेद का पठन करने से आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, उसके पठन से और सब हो सकता है पर आत्मज्ञान नहीं। गायत्री मंत्र है, अब गायत्री बोले जा रहे हैं, गायत्री बोले जा रहे, अरे भाई ऐसे बकवास से क्या गायत्री देवी जागृत हो सकती है, क्या किसी की हुई दिखाई दी आपको, किस लिए आप गायत्री का मंत्र बोलते हैं ये भी आपको पता। गायत्री को जागृत करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य पहले अपने आत्मा को जागृत करे, नहीं तो गायत्री जो है वो परमात्मा की ही एक शक्ति है। जब तक आपने उस परमात्मा को नहीं जागृत किया आप गायत्री के सहारे कहाँ चलिए। समझ लीजिए अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर नाराज है, समझ लीजिए तो आप तो काम से गए, आपने किसी दूसरे को प्रसन्न कर भी लिया तो आप तो काम से गए ही हुए, कोई आपको बचा नहीं सकता। तो जब तक आपने परमात्मा को पाया नहीं तब तक ये सारी शक्तियां व्यर्थ है, ये इसका साक्षात। और तत्व सिर्फ आत्मा ही, उसी को पाना होता है। ये जो शक्तियां हैं इसको पाने से आप परमात्मा को नहीं पा सकते, पर परमात्मा को पाने से इन शक्तियों के तत्व पे आप उतर सकते। आप जो है कि हमको दूसरी ओर ऐसा चित्त देना चाहिए कि इससे ऊपर जो शक्ति है
जो कि देवी शक्ति मानी जाती है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।